काफी के नवे निवास पे जाएंगे, छुट्टी है ना सरकारी इतना बड़ा विषय है भाई साहब, डीएम जिले के अधिकारी तो है, तो विषय देश भर का है, इतना बड़ा विषय है, आ जाएंगे डीएम साहब ज्ञापन लेंगे भाई, क्या बात है। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, दिग्विजय का स्टंट मुस्लिमों को लुभाने की साजिश है। देखिए राजनीतिक पहलू से कुछ भी करें लेकिन हिंदुत्व पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जो हिंदू समाज को इतना मतलब जिस तरीके से ठेस पहुंची है, मैं खुद पीड़ित हूं, मैंने खुद FIR सलमान खुर्शीद के खिलाफ थाना सिविल लाइन निवास है मेरा उसमें दी है। और आप ये देखिए कि जो बुक के अंदर उन्होंने छापा है ये बिल्कुल एक तरीके से सीधी सीधी हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस है, मुझे ठेस लगी, मैंने FIR करी है। मैं कहता हूँ देश के अंदर जो जितने हिंदू हैं सबको ठेस लगी है, हर कोई निकल के नहीं आ सकता, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब पे बैन लगनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रासुका में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो बचा कुचा था इन्होंने तो करा है, किताब बैन होगी। उसके अलावा राशिद अलवी क्या बोल रहे हैं कि जो जय श्री राम के नारे राम भक्त लगाते हैं उनकी तुलना, मतलब किस तरीके का जो है स्टेटमेंट, कितना घिनौना स्टेटमेंट उन्होंने दिया, राक्षस बता रहे हैं, हम राक्षस हैं, हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बता कौन सा हिंदू राक्षस है। और राक्षस ये लोग हैं जो भारत के अंदर रह के और इस तरीके की जो है टिप्पणी कर रहे हैं, अगर इन्हें हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तान जो बोलेगा फालतू से भेज देंगे पाकिस्तान, जब तक हम हिंदू समाज है जब तक जिंदा रहेगा और हिंदू राष्ट्र की हम मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा।